आज हम जो है विभिन्न एग्जामों के लिए जो साइंस के एमसीक्यू हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए जो एमसीक्यू हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में देखा जाए तो रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो आपको बता दें विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी की जब आती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी मसूड़े में रक्त आने लगता है और हमारा जो दांत है वो हिलने लगता है। हुक के नियम जो है वो किस सीमा तक परिभाषित है, तो हुक का नियम जो है वो प्रतिअस्थता है, वो प्रतिअस्थता की सीमा तक परिभाषित है। पास्कल मात्रा में देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल मात्रक में देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब जो 105 पास्कल होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है, तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है फ्लोरीन अर्थात F2 है। सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो सिनेबार जो है वो पारी का अयस्क होता है अर्थात HG का जो है अयस्क से होता है सिनेबार होता है। शैवाल का अध्ययन कहलाता है, शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है हमारी छोटी आंत है उसमें होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आहार नाल में जो स्टार्च है उसके पाचन का जो अंतिम उत्पाद है माल्टोज होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग क्या होता है, तो फूल गोभी जो होती है उसके खाने योग्य भाग जो होता है पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है DNA होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमोटीन एक नामक एक पदार्थ होता है उसी के द्वारा जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, टमाटर में लाल रंग होने का कारण जो है लाइकोपीन होने के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो हल्दी जो पीला रंग होता है उसे कुरकुमीन होता है, इसी कारण हल्दी जो है पीले रंग की होती है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग जो होता है तना होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाली जो कोशिकाएँ हैं उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जो प्रसिद्ध कवि विलहण है वो किसके राजदरबारी कवि थे, तो प्रसिद्ध कवि जो विलहण है वो विक्रमादित्य चतुर्थ थे, उनके राजदरबारी कवि थे। जेंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है, तो जेंदा अवेस्ता जो है ये पारसियों की जो है पवित्र पुस्तक है। प्रसिद्ध काव्य जो है गीत गोविंदम इसके रचयिता कौन है, तो प्रसिद्ध काव्य जो गीत गोविंदम है उसके रचयिता जो है जयदेव। रजत रंगणी में जो लेखक हैं कलहण वो किसके समय के थे, तो रजत रंगणी में जो लेखक कलहण हैं वो जय सिंह के समय के थे। द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, द फ्रंटियर गांधी जो है उन अब्दुल गफ्फार खान है, उन्हें द फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रथम नोबल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे, तो प्रथम नोबल पुरस्कार जीतने वाले जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य में 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए जो है प्रथम नोबल पुरस्कार दिया गया था। नेत्रदान में दाता की आंख से किस भाग को प्रतीक किया जाता है, तो कॉर्निया जो होती है उस कॉर्निया वाला जो भाग होता है वो उनके आँखों से पृथक कर लिया जाता था, निकाल लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून है, उस दिन जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो GS क्विज रहा होगा बेहद अच्छा रहा होगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलिए।